महाराज श्री से जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। संसार में बहुत सारे लोग अपने कर्मों से दुखी हैं, परंतु बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने कर्मों से नहीं दूसरों के सुख से दुखी हैं। उन्हें इस बात का कोई दुख नहीं है कि मेरे पास धन नहीं है, उन्हें इस बात का दुख है कि दूसरे पड़ोसी के पास धन कहाँ से आ गया। उन्हें इस बात का दुख नहीं कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास महल नहीं है, बंगला नहीं है, घर नहीं है, सुंदर स्त्री नहीं है, उन्हें इस बात का कोई दुख नहीं है। परंतु इस बात का अवश्य दुख है कि दूसरे के पास सुंदर गाड़ी कहाँ से आ गई, सुंदर घर कहाँ से आ गया, सुंदर सदाचारी स्त्री कहाँ से आ गई। इस बात का बहुत दुख है उन्हें, वो उसे पूरी तरीके से मिटा भी देना चाहते हैं। और देखो, जहाँ भी तुम जियोगे हर क्षेत्र में तुम्हें इस प्रकार का आदमी मिलेगा जो तुमसे इससे द्वेष करता रहेगा। ध्यान रखना, अपनी समझदारी को प्रबल नहीं करोगे तो संसार में मार खा जाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें काटने के लिए बिल्कुल डोल रहे हैं। चीन में दो व्यापारी थे, दोनों एक दूसरे के जानकार थे, परंतु आमने सामने दुकान कर लिए तो एक दूसरे के द्वेषी बन गए। दोनों की दुकान खूब चलती थी, परंतु जिस दिन उसका ज़्यादा माल बिक जाता था उसे बड़ा दुख होता था, जिस दिन उसका माल बिक जाता था उस दिन उसे बड़ी टेंशन होती थी। दोनों बिल्कुल शरीर से बिल्कुल थकते चले जा रहे थे, शरीर बिल्कुल कृशकाय होता जा रहा था, मरणांत अवस्था पे आने वाले थे। किसी के पास गए कि जिंदगी बड़ी संकटों में कट रही है, क्या करें। वो कहते हैं कि यहाँ एक महात्मा है, उनके पास जाओ, वो महात्मा आपको सद्गति प्रदान करेंगे, वही आपका कल्याण करेंगे। महात्मा के पास जाते हैं, कहते हैं प्रभु पैसे की तो कोई कमी नहीं है, पैसा खूब आ रहा है, परंतु मन में यही विकार है कि इसकी बिक्री ज़्यादा कैसे हो जाती है। वो कहता मेरे मन में भी यही विकार है कि पैसा तो खूब आ रहा है, दुकान भी अच्छी चल रही है, लेकिन ऐसा हो जा रहा है कि इस व्यक्ति का ज़्यादा चलता है तो मुझे दुख हो जाता है, इसका चल जाता तो मुझे दुख हो जाता है, इसी टेंशन में मैं बिल्कुल अपने शरीर को खोए जा रहा हूँ। वो कहता है मेरी भी स्थिति यही है प्रभु, कुछ करिए। तो कहते हैं देखो, ध्यान रखो, कभी कभी क्या होता है, जहाँ चिकित्सा हार जाती है वहाँ पे संत भी एक चिकित्सक के रूप में काम आ जाते हैं। ध्यान रखना, आपके शरीर में कोई विकार है तो उसके लिए कौन डॉक्टर हैं जो बैठे हैं, बुखार आ गया तो बता देंगे आपको, ये दवाई ले लीजिए, ऐसे कर लीजिए, गर्म पानी पी लीजिए, सही हो जाएगा। परंतु ध्यान रखना, यदि तुम्हारे मन में कोई विकार आ गया, काम क्रोध लोभ मोह वासनाएं संसार की आ गई, तो ध्यान रखना उसे कौन दूर करेगा, उसे एक संत ही दूर कर सकता है जो खुद इन चीज़ों से परे हो। तो वो संत के पास गए, संत ने बड़ी सहजता से कहा कि ध्यान रखो, अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम अपना अपना काउंटर बदल लो, तुम उसके काउंटर पे बैठो, वो तुम्हारे काउंटर पे बैठे, ईश्वर को साक्षी मान के पूरी ईमानदारी से काम करना है, जितने ग्राहक आते हैं आने दो, जितना सामान बिकता है बिकने दो, हिसाब शाम को कर लेना, लेकिन साक्षी किसको मानना है, ईश्वर को, और अपने अंदर संतुष्टि पैदा करनी है। तुम काउंटर पे बैठोगे, जितना उसका होगा वो उसे ले लेगा, शाम को उसका जितना होगा वो उसे लेगा, लेकिन ध्यान रखना ईश्वर को साक्षी मान के, यदि मेरे पास आए हो, ध्यान रखना मैं संत हूँ, मेरी मर्यादा रखते हो, मेरे पास आए हो तो मेरी इस वाणी का मतलब मान जरूर रखना, कभी छल कपट मत कर देना, कभी बेईमानी मत कर देना, नहीं तो ध्यान रखना कि एक संत का प्रताप जब तुम्हें लगेगा तो तुम इस प्रताप से बच नहीं पाओगे। ऐसा कहकर के वो भेजते हैं और वो आते हैं, दोनों एक दूसरे के गले पर बैठते हैं और बड़े ही संतुष्टि से दुकान चला रहे होते हैं। फिर उनके जीवन में कभी कोई दुख नहीं होता, फिर वो संतुष्टि से दोनों काम कर रहे होते हैं, पूरी ईमानदारी पूरी मेहनत से काम कर रहे होते हैं। ध्यान रखो, जब तुम भगवान को साक्षी मान के काम करते हो तो तुम्हारे काम बिल्कुल अच्छे होते हैं। संसार का हर व्यक्ति यदि ईश्वर को साक्षी मान के आगे बढ़ने लग जाएगा तो उसके जीवन के सारे संकट ही कट जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश का व्यक्ति अध्यात्म से जुड़े होने के बाद भी भगवान से कटता चला जा रहा है। ये अपने आप में एक दुर्भाग्य है। नहीं, ध्यान रखो कि विदेशी लोग आकर के यहाँ अध्यात्म अपना रहे हैं और तुम इस अध्यात्म से भागते चले जा रहे हो, यही तुम्हारे विनाश का कारण बन रहा है। तुम्हारे अंदर से धैर्य, सहनशीलता, सहजता, करुणा, ममता, दया सब तो मर जा रही है, कैसे आगे बढ़ोगे। ईश्वर की आस्तिकता तक तुम्हारे अंदर से खत्म हो जा रही है। मैं एक बार अपने दृष्टांतों में कहा करता हूँ, कई बार उसको आज भी मैं बता देता हूँ आपको, कि ध्यान रखो, यदि ईश्वर को मान के चलोगे तो जीवन के सारे पाप सारे कष्ट अपने आप ही दूर हो जाएंगे। एक सभा लगी हो, सभा में यदि मिठाई रखी हो और वहाँ पे हजारों लोग बैठे हों, किसी की हिम्मत नहीं होगी, भले ही कितनी भी अच्छी मिठाई क्यों ना होगी, कोई उठा के खा ले, परंतु वही सारी अनेक प्रकार की मिठाइयाँ किसी कमरे में रखी हों और किसी को कह दिया जाए भैया पहरेदारी करो और उसकी फेवरेट मिठाई हो तो वो छोड़ेगा नहीं और एक दो ज़रूर खा जाएगा। क्यों? क्योंकि जानते हो
वहाँ पे वो नास्तिक हो गया, वहाँ पे उसे किसी के होने का भय खत्म हो गया, इसलिए उसने मिठाइयाँ चटका दी। लेकिन सभा में क्या था कि वहाँ आस्तिकता थी कि लोग बैठे हैं, लोग मुझे देख रहे हैं। जब तुम्हारे अंदर ये आस्तिकता आ जाएगी, तुम्हारा भगवान तुम्हें देख रहा है, तुम्हारा परमात्मा तुम्हें देख रहा है, तो ध्यान रखना, क्या तुम चोरी कर सकोगे? क्या तुम गलत काम कर सकोगे? क्या तुम किसी व्यभिचार, किसी दुर्विचार में पड़ सकोगे? हरगिज नहीं। इसलिए अपने कोई भी काम करो, अपने परमात्मा को साक्षी मान के करो। वही जिसने तुम्हें जन्म दिया है, जो तुम्हें पाल पोष रहा है, वही तुम्हें उठाएगा भी, तुम्हारा कल्याण भी करेगा। इसी मार्गदर्शन के साथ पूर्ण ईमानदारी से अपने जीवन को जियो, भगवान तुम्हारा कल्याण अवश्य करेगा। जय श्री कृष्ण।